नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भूषण। आज सुप्रीम कोर्ट ने रफाल वाले मामले में जो एक पिटीशन मैंने, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जी ने मिलकर फाइल करी थी कि इसकी एक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, उसको आज खारिज कर दिया है और इस फैसले को आज सरकार और भाजपा ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट से रफाल के मामले में उनको क्लीन चिट मिल गया, प्रधानमंत्री की इस रफाल की डील को क्लीन चिट मिल गया। कोर्ट ने इस फैसले में ना तो हमारी दलीलें एग्जामिन करी हैं और ना ही जो हमारी प्रेयर थी कि इस पे एक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए उस पर कुछ बोला है। कोर्ट ने बल्कि ये बोला है कि ये ऐसा मामला है डिफेंस परचेज का जिसमें कोर्ट ना तो इसके प्राइस के मामले में ज़्यादा जांच कर सकती है ना और मामलों में ज़्यादा जांच कर सकती है, और उस आधार पर उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। हम लोग कोर्ट इस आधार पर गए थे, हम लोगों ने सीबीआई को कंप्लेंट दी थी और ये बोला था कि देखिए इसमें एक पुरानी 126 हवाई जहाज़ का सौदा होने वाला था जिसमें कि 2006 में टेंडर इशू करे गए थे, 6 कंपनियों ने टेंडर भरे थे। उससे पहले एयरफोर्स ने अपनी मांग बताई थी कि हमको 126 हवाई जहाज़ कम से कम चाहिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला था कि हाँ ठीक है 126 आपको मिलने चाहिए लेकिन इसमें से 18 बने बनाए आएंगे और बाकी 108 जो हैं हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे क्योंकि हमको आत्मनिर्भर होना है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए और जो भी कंपनी इसका टेंडर भरेगी उसको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी जैसे कि जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हवाई जहाज़ बन सकें। तो 2006 में टेंडर इशू हुआ, फिर 6 कंपनियों ने टेंडर भरे, फिर उसमें से 2 को शॉर्टलिस्ट किया गया टेक्निकल ट्रायल्स के बाद, फिर प्राइस बिड खोला गया, उसमें डेसॉल्ट कंपनी जो रफाल बनाती है उसको लोएस्ट टेंडरर माना गया। उसके बाद उनसे प्राइस नेगोशिएशंस हुए, 25 मार्च 2015 को फ्रांस में पेरिस में एक मीटिंग होती है जिसमें कि जो रफाल के डेसॉल्ट के जो सीईओ हैं वो हैं इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के आला अफसर हैं, और वहाँ पर डेसॉल्ट के सीईओ कहते हैं कि भाई हमारा प्राइस नेगोशिएशन 95% हो चुका है और इसमें अब जल्दी ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से बहुत खुश हैं, हमको कोई उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ठीक 15 दिन बाद 10 अप्रैल 2015 को मोदी जी अलग से एक सौदा कर लेते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जिसमें कहते हैं कि 36 हवाई जहाज़ बस खरीदे जाएंगे और वो पूरे बने बनाए आएंगे, कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा, कोई मेक इन इंडिया नहीं होगा। लेकिन अब एक नई चीज़ आ जाती है कि इसमें 50% पैसा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से कुछ हिंदुस्तान की कंपनियों को दिया जाएगा। इसी समय अनिल अंबानी की एक नई कंपनी रजिस्टर करी जाती है, रिलायंस डिफेंस, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी कुछ नहीं किया और जिस आदमी की सारी कंपनियां कर्ज में डूबी हुई थी, बहुत सारी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, उनका प्रोसिक्यूशन भी हो रहा था करप्शन के लिए टेलीकॉम मामले में, वो एकदम से बनती है और वो उसके साथ डेसॉल्ट कंपनी एक समझौता कर लेती है और तभी तभी अखबारों में ये निकलता है कि मोदी जी ये चाहते थे कि ये नया डील इसलिए कराया गया कि जिससे कि उनकी अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इसकी पुष्टि बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी करी कि जब ये सवाल उठा कि भाई ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी की कंपनी को कैसे दे दिया गया जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, तो राष्ट्रपति ने यह बोला कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, भारत सरकार ने हमसे बोला कि भाई अनिल अंबानी को ही देने पड़ेंगे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ये सौदा चाहिए। दूसरी बात ये पाया गया कि इसका दाम जो है बाद में जो बेंचमार्क प्राइस था 36 हवाई जहाज़ का, जो कि प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी के 3 आला अफसर
जो कि प्राइस के एक्सपर्ट माने जाते थे, उन्होंने बोला कि इसका बेंचमार्क प्राइस 5.2 बिलियन यूरो होना चाहिए। उसको बढ़ा दिया गया और वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व करते हैं, उन्होंने बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया। और बगैर इसके एयरफोर्स के कोई रिक्वायरमेंट दिए हुए कि भाई हमको 36 ही हवाई जहाज़ चाहिए, हमको कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहीं नहीं बोला कि भाई हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने यह सौदा कर दिया। और बाद में ये निकल कर आया कि अनिल अंबानी की कंपनी को खूब ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। अब इसको डिसमिस करते समय हम लोग तो कोर्ट गए थे ये कह के कि भाई इसमें एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो कोर्ट के मॉनिटरिंग में होना चाहिए। कानून ये कहता है कि जब इस तरह का कोई एलिगेशन लगता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसके प्रमाण हम लोगों ने बहुत सारे दिए, तो उस पर FIR होके जांच होना लाजमी है। लेकिन कोर्ट ने ये कह के डिसमिस कर दिया कि भाई ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, रक्षा सौदे का मामला है, इसमें कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, सरकार ने बोल दिया है कि भाई प्राइस वगैरह सब ठीक है, अच्छा है। और फिर अचंभे की बात है कि कई चीज़ें कोर्ट ने ऐसी बोल दी जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। उन्होंने ये बोल दिया कि इसमें कोई CAG का इंक्वायरी हो चुकी है, CAG का ऑडिट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जा चुकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया और वो सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसी कोई रिपोर्ट का ना तो कभी जिक्र सरकार ने किया, ना कोई रिकॉर्ड पर कुछ बोला, किसी हलफनामे में ना कुछ बोला, ना किसी को उसके बारे में पता है। और हमने पता लगाया कि ऐसी कोई रिपोर्ट CAG की नहीं दी गई, फिर भी कोर्ट के फैसले में ये बात लिखी हुई है, ये कहने के लिए कि भाई इस प्राइस वगैरह में वो नहीं जा सकते। दूसरा उसमें ये लिख दिया है कि एयरफोर्स चीफ ने ये बोल दिया कि भाई प्राइस डिटेल्स मत बताइए, नहीं तो फिर हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये बात भी कहीं रिकॉर्ड पर नहीं थी। तीसरी बात उन्होंने ये लिख दी कि भाई ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये तो कंपनी डेसॉल्ट कंपनी खुद तय करती है, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई। और ये भी लिख दिया है कि 2012 से रिलायंस की कोई पेरेंट कंपनी थी, उसके साथ इनका नेगोशिएशन चल रहा था। 2012 में तो जिस रिलायंस की कंपनी से कोई नेगोशिएशन डेसॉल्ट का हुआ था वो तो मुकेश अंबानी की बिल्कुल दूसरी कंपनी थी, उसका अनिल अंबानी की कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी ये बात लिख दी गई है। फिर ये लिख दिया गया कि हमने एयरफोर्स के अफसरों को बुलाया और उनसे भी उन्होंने भी एक्विजिशन प्रोसेस और प्राइस के बारे में हमको बताया, और इस आधार पर ये पिटिशन डिसमिस कर दी है। तो पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं बोला है कि भाई हमने पूरा जांच कर लिया और इसमें कोई घोटाला नहीं दिखता, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि भाई इसमें हमको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, रोज़ रोज़ नए फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं। आज ही कैरावान में एक स्टोरी निकली है कि कैसे ये प्रधानमंत्री ने खुद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में बैठ कर इसका बेंचमार्क दाम 5.2 मिलियन यूरो से बिलियन यूरो से 8.2 बिलियन यूरो कर दिया और फिर 7.8 बिलियन यूरो पर यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। फ्रांस में भी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसलिए ये कह देना कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसको सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसलिए ये मामला ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल गलत होगा। जब तक इसमें एक प्रॉपर तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तब तक जनता के जहन से ये जो सवाल खड़े हुए हैं ये नहीं हट पाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।